गृह विभाग ने 6 शहरों में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव बनाया है जो कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। नोएडा, लखनऊ का नाम तय माना जा रहा है, जहां लागू कर पहले इसे ट्रायल बेस पर देखा जाएगा और इसी के बाद अन्य 3 महानगरों में भी इसे लागू किया जाएगा। फिलहाल वो 3 जिले कौन से होंगे वो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आगरा, गाजियाबाद, कानपुर को कमिश्नरी के लिए अन्य 3 जिलों की सूची में जगह मिल सकती है। तो जल्द ही कैबिनेट की बैठक में कहा जा रहा है कि फैसला कमिश्नरी सिस्टम को लेकर लागू किया जा सकता है, प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सिस्टम को पहले ही अपना समर्थन दे दिया है और ऐसे में ये कयास पूरे कि अब जब अगली कैबिनेट बैठक होगी तो उसमें इस प्रस्ताव पर मंजूरी भी मिल जाए। तो शुरुआत में आपको बता दें कि जो ट्रायल बेस पर जो ये कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जाएगा वो नोएडा और लखनऊ में लागू किया जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा मुमकिन है कि कानपुर को, आगरा को इसमें जोड़ा जाए। तो 3 शहरों को लेकर अभी सहमति नहीं मिली है, बाकी है और कयास ऐसे कि गाजियाबाद, आगरा और कानपुर इसमें शामिल हो सकते हैं आगे, लेकिन फिलहाल एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो शुरुआत की जा रही है वो लखनऊ और नोएडा से की जा रही है। तो कई नियम हैं यहाँ पर और कई अधिकार इस कमिश्नरी सिस्टम के साथ पुलिस को मिल जाएंगे और ऐसे में अब जल्द ही प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। और नरेंद्र यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी यहाँ पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, लगभग ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया जा सकता है और जल्द उसको मंजूरी मिल सकती है, अब अगली कैबिनेट की बैठक में ये तय कि मंजूरी इस प्रस्ताव को मिल जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी और जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहे थे, नोएडा और लखनऊ में एसएसपी की तैनाती नहीं की गई थी, उसके बाद से यही उम्मीद की जा रही थी कि अगली कैबिनेट में जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसको रखा जाएगा और मंजूरी मिल जाएगी पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था की। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रस्ताव लगभग तैयार कर लिया गया है, उसे आज मंजूरी मिल सकती है। 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक है, उसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। पिछली बार कृषि किसान बीमा योजना थी, उसको रखने वाले थे लेकिन वो कैबिनेट में रखा नहीं जा सका। आज किसान बीमा योजना का भी प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जा सकता है और उसको भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इस तरीके से नरेंद्र, तो आज मंगलवार को हर वक्त कैबिनेट की बैठक होती है, क्या एक वजह इसका हम ये भी माने कि कमिश्नरी सिस्टम को जल्द से जल्द लागू करने की बात की जा रही है, इसी के चलते आज ये बैठक बुलाई गई है कैबिनेट की? बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ओपी सिंह और तमाम अधिकारियों के साथ लगातार बैठक की, चाहे वो लोक भवन में बैठक किए हों, चाहे उसके बाद देर रात तक 5KD अपने आवास पर बैठक किए हों, और लगातार ये खबरें आती रहेगी सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं और कमिश्नरी व्यवस्था को लेकर के, और उसके बाद उन्होंने अपनी सहमति दे दी, सभी अधिकारियों के बैठक के बाद सहमति हुई और फिर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुआ करती थी तो ये चर्चा हुई कि मंगलवार को पास होगा, लेकिन देर शाम तक ये सूचना आ गई कि सोमवार को ही कैबिनेट की बैठक होगी और उसी में फैसला लिया जाएगा। तो आज कैबिनेट की बैठक 9:30 बजे चालू होगी और 10 बजे ब्रीफिंग है, प्रेस को बताया जाएगा, यानी आधे घंटे में ये सारी चीजों का फैसला हो जाएगा, कैबिनेट की मोहर लग जाएगी। अब सभी को इंतजार है कि कैबिनेट की बैठक हो और 10 बजे कौन कौन से प्रस्ताव आज कैबिनेट की मोहर चलिए बिल्कुल देखना होगा। हालांकि सभी की निगाहें कमिश्नरी सिस्टम को लेकर लगी हुई हैं कि आखिरकार वो कब लागू किया जाएगा, उसको लेकर प्रस्ताव मंजूरी कब मिलेगी। निगाहें कैबिनेट की बैठक पे आगे भी जुड़ेंगी। नरेंद्र, आपसे अपडेट बनाए रखिएगा।